नमस्कार, चैतन्य स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के पाठ ध्वनि के बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, ध्वनि तरंगे निम्न में से किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी परावैगनी या ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ठोस में, तो ठोस में ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। ठीक है, सवाल नंबर दो, वायु में प्रति एक डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है? सवाल नंबर दूसरे का जो ऑप्शन ए है 0.61 मीटर पर सेकंड, या फिर बी है 0.67 मीटर पर सेकंड, या सी है 0.62 मीटर पर सेकंड, या डी 0.69 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 0.61 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर तीन, माध्यम का दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन होता है? ए बिल्कुल नहीं, बी चाल बढ़ जाती है, या सी चाल कम हो जाती है, अथवा डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए बिल्कुल नहीं, यानी कि माध्यम का दाब घटाएं या बढ़ाएं ध्वनि की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सवाल नंबर चार, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग का क्या परिवर्तित नहीं होता? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी आवृत्ति, या ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी आवृत्ति, यानी कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती, जबकि उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। सवाल नंबर पाँच, हमारा कान कितने हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है? दोस्तों यहाँ मुझसे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ तरंगों नहीं बल्कि यहाँ होगा आवृत्ति। ठीक है, आप ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन होगा डी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि हमारा कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है? ऑप्शन ए 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 336 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन सी 420 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन डी 232 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 332 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? ऑप्शन ए 1/10 सेकंड, ऑप्शन बी 1/20 सेकंड, ऑप्शन सी 1/15 सेकंड, या ऑप्शन डी 1/8 सेकंड। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 1/10 सेकंड, यानी कि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस गैस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक है? किस गैस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी निर्वात, या ऑप्शन डी स्टील। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि निर्वात। ठीक है, यानी कि अगर ध्वनि को आर पार जाना है तो उसे वायु की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि निर्वात से आर पार नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि का मात्रक है ए डेसिबल, बी पास्कल, सी मीटर, या डी न्यूटन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए डेसिबल, यानी कि डेसिबल जो है वो ध्वनि का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक शहर को सुरक्षित रखने के लिए ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना है? ऑप्शन ए 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 60 डेसिबल, ऑप्शन सी 47 डेसिबल, या ऑप्शन डी 56 डेसिबल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 47 डेसिबल। दोस्तों यहाँ थोड़ा मुझसे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर जो है 45 होगा, कितना
45 डेसिबल होगा यहाँ पर, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है 12:10 पर, ठीक है, तो पृथ्वी पर विस्फोट की ध्वनि कितनी देर के बाद सुनाई देगी? ऑप्शन ए 12:20 पर, या ऑप्शन बी सुनाई नहीं देगी, ऑप्शन सी 2:45 पर, या ऑप्शन डी 5:20 पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, सुनाई नहीं देगा, यानी कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, यानी कि वायु नहीं है, तो वहाँ पर ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम नहीं है, इसलिए हमें वह ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ठीक है। अगला सवाल, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक ध्वनि स्तर है? ऑप्शन ए 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 56 डेसिबल, ऑप्शन सी 85 डेसिबल, या ऑप्शन डी 98 डेसिबल। तो आपका ठीक आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 85 डेसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी स्टील में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी द्रव में। इसका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टील में। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि तरंगें चल सकती हैं? ए निर्वात में, बी ठोस में, सी गैस में, या डी ठोस एवं गैस दोनों में। तो यहाँ लिखा नहीं है, इसका सही आंसर है ठोस एवं गैस दोनों में, ठीक है। ध्वनि तरंगें ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती।